वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञा की रसोई। तो यहाँ पे हमारे पास जिमीकंद, तो जिमीकंद की सब्जी बनाने वाले हैं हम अभी। तो देखिए, हमने उसे तल कर रखा है और ये देखिए और तल रहे हैं हम। तो ये हमारा जिमीकंद है जिसे हमने उबाल कर रखा हुआ है, इस तरह से है, और इसके छिलके निकाल कर हम उसे सुखा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने पेस्ट तैयार किया है। यहाँ पर है प्याज और लहसुन का पेस्ट और बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, तो ये आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो यहाँ पर मैं अभी तलने के लिए रखी हूँ, तो इसे अच्छे से ब्राउन होते तक तलेंगे। देखिए इस तरह से ये बहुत हल्का हो चुका है तलकर। तो इसी तरह से सारे जो हमारे जिमीकंद हैं उसे तल रही हूँ मैं। तो खुजलाए ना, इसलिए मैंने उबालते समय इसमें नमक डाला था। तो कुछ लोग इमली भी डालते हैं और कुछ लोग जाम के पत्ते या कई सारी चीज़ें डालते हैं, तो मैंने नमक डाला है और इसे इसी तरह से सेकने दूंगी। तो ये सीख जाए फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा जिमीकंद अच्छी तरह से भुन चुका है, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो एक प्लेट पे मैं इसे निकाल लेती हूँ। और इसी ऑयल में मैं डाल दूंगी मेथी के पत्ते। तो कसूरी मेथी डालूंगी यहाँ पे मैं, क्योंकि अभी कसूरी मेथी ही मिलेगा, मेथी के पत्ते तो नहीं मिलते हैं। तो ये मैंने कसूरी मेथी डाल दिया। अब यहाँ पर मैं डाल दूंगी टमाटर, और टमाटर में ही मैंने हल्दी और नमक भी डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्दी और मिर्च भी डला हुआ है, तो इसे भी मैं डाल देती हूँ साथ में। तो पहले मैं टमाटर को बहुत अच्छी तरीके से भून लूँगी, फिर इसी में प्याज और लहसुन को भी डाल दूँगी। यहाँ पर मैं नमक भी डाल देती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा ही नमक डाल रही हूँ। और आँच हम तेज रखेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से भून सके। अब यहीं पे मैं डाल देती हूँ प्याज और लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया है उसे, और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से भूनेंगे मसालों के साथ। तो इसे ऑयल छोड़ते तक भून लेते हैं। तो मसालों को हम अच्छी तरह से भूनने देंगे, तब तक के लिए इसे छोड़ देते हैं और इन मसालों को ऑयल के छोड़ते तक भूनेंगे। तो हम इसे ऑयल छोड़ते तक भून लेते हैं अच्छी तरह से। और मेरा जिमीकंद भी मैं दिखा देती हूँ आपको, तो ये देखिए इस तरह से दिख रहा है, बहुत अच्छी तरीके से भुना है इसे हमने। और यहाँ पे ही हमारा मसाला भी तैयार हो रहा है। तो जैसे ही मसाला तैयार हो जाएगा तो हम इसे ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सूख कर ये कितना कम हो चुका है। अभी भी इसे और भुनेंगे, जितना अच्छे से भुनेंगे इसमें से प्याज और लहसुन का कच्चापन जाएगा और टेस्ट अच्छा आएगा। तो इसे भुनने देते हैं अभी भी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा मसाला भुन चुका है। अब यहीं पे हम डाल देंगे जिमीकंद को और इसे मिक्स कर लेते हैं मसालों में। तो ये देखिए, जैसे हम नॉनवेज बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बना रहे हैं। इसमें हल्का सा मैं गरम मसाला ऐड करूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, इसमें ज़्यादा मसालों का ज़रूरत नहीं रहता है। और इस तरह से भूनने के बाद फिर इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे और लास्ट में धनिया का पत्ती डाल देंगे, और फिर ये बनकर हमारा सब्जी तैयार हो गया है। तो इसे थोड़ी देर मसालों के साथ भूनते हैं, उसके बाद हम यहीं पर डाल देंगे पानी।
चलिए फ्रेंड यहाँ पर पानी मिला देती हूँ मैं। तो आपको जितना पानी चाहिए उस हिसाब से डालेंगे, क्योंकि जो जिमीकंद है वो पानी सोखता है बहुत, तो इसीलिए हम उसके हिसाब से पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर हाफ लीटर पानी डाला है और इसे उबाल आने देते हैं। थोड़ा पानी और डालती हूँ और एक दो उबाल आने के बाद इसे हम बंद कर देंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, तो आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई करें और बताएं कि कैसा लगी आपको ये रेसिपी। जिमीकंद, हमारे यहाँ जिमीकंद बोलते हैं और कई जगहों में इसे सुरंग भी कहते हैं। तो इसे दही के साथ भी बनाती हूँ मैं और इस तरह से भी, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्जी में उबाल आ चुकी है। अब यहीं पे हम धनिया का पत्ती भी ऐड कर देते हैं। तो अभी उबाल आना शुरू हुआ है, तो दो चार उबाल आने देते हैं, उसके बाद फिर हम इसे बंद कर देंगे। आपको जितना तरी चाहिए उस हिसाब से, तो मैं इसमें हल्का तरी रखूंगी, ज़्यादा गाढ़ा सॉरी ज़्यादा पतला नहीं रखूंगी। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे खाने में राइस के साथ यूज़ करेंगे, तो आप चाहे तो चपाती के साथ खा सकते हैं। तो आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी तो आप ज़रूर बताएं, और आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताएं। बाय बाय फ्रेंड्स।